IBN 7 बना तीसरा सबसे ज्यादा देखा जाने वाला हिंदी न्यूज चैनल। IBN 7 हौसला है। लेडीज वर्सेस शरद यादव, क्योंकि आज सदन में यही सब हुआ और इसी पर हम करेंगे आज चर्चा। बहरहाल, शरद यादव के साउथ इंडियन महिलाओं पर आपत्तिजनक टिप्पणी पर आज राज्यसभा में जमकर हंगामा हुआ। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी समेत कई दलों की महिला सांसदों ने शरद यादव से माफी की मांग की है, लेकिन शरद यादव वहीं खड़े होकर पूरे सदन को चुनौती देते रहे कि इस मामले पर बहस के लिए तैयार हूं। वो डंके की चोट पर कह रहे हैं कि उन्होंने ये बयान सोच समझ कर दिया है। राज्यसभा की कार्यवाही शुरू होते ही केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने शरद यादव के मसले से खुद को अलग किया और मांग की कि शरद यादव अपने बयान पर माफी मांगे। I completely disapprove of the comment. We all of us must respect the women, their dignity, and I will appeal to Sharad Yadav. It is a personal escalation. Kindly withdraw this comment. रविशंकर प्रसाद के बयान देने के बाद शरद यादव अपनी सीट से खड़े हो गए, कहने लगे कि वो अपने बयान को वापस नहीं लेंगे। उनके इतना कहते ही मानव संसाधन मंत्री स्मृति ईरानी ने जोरदार विरोध किया और माफी की मांग दोहराई। Do not make comments about the color of any woman's skin. My request is, sir, you are a senior member of the house. There is a very wrong message going to the rest of the country. I appeal to you, please do not make comments about the color of any woman's skin in this country. Please. Okay, now. I beg your pardon this. हम जो है वो लोहिया से लेकर गांधी से लेकर मेरे पास सारा रिकॉर्ड है जो महिलाओं के बारे में बोला गया है। स्मृति और अन्य महिला सांसद जब विरोध कर रही थी, शरद यादव अपनी सीट पर खड़े होकर उनको ललकार रहे थे। लोहिया गांधी और अब्राहम लिंकन की दुहाई दे रहे थे, महिलाओं के लिए किए गए अपने संघर्ष को याद दिला रहे थे, सदन में दोनों हाथ उठाकर बहस की चुनौती दे रहे थे। मैं ये कहना चाहता हूँ, हिंदुस्तान में सांवरी महिलाओं का संख्या ज्यादा है, दुनिया में सांवरी जो लोग हैं उनका संख्या ज्यादा है, और उसके बारे में मैं दुनिया की किसी ताकत से बहस करने को तैयार हूँ। महिलाओं के बारे में, उनके शरीर के बारे में, उनके रंग के बारे में बयान देने का जरा भी अफसोस नहीं, बल्कि उसको जायज ठहरा रहे थे शरद यादव। सदन में रविशंकर प्रसाद अब सफाई दे रहे थे, लेकिन उस दिन के शरद के बयान के दौरान रविशंकर प्रसाद बैठे हंस रहे थे। इन तस्वीरों को देखने के बाद आपको अंदाजा हो जाएगा कि किस तरह महिलाओं के बारे में टिप्पणी हो रही थी और सदन में हंसी मजाक चल रहा था। व्हाइट चमड़ी वालों को तो यहाँ देख कर के आदमी दंग रह जाता है। मैट्रिमोनियल देखो तो उसमें लिखा हुआ गोरी गोरी लड़की चाहिए। अरे आपका भगवान जो है वो सांवला है, वो रविशंकर जैसा है, है? और साउथ की महिला जितनी ज्यादा खूबसूरत होती है, जितना उसका उसका बॉडी जो पूरा देखने में यानी इतना इतना हमारे यहाँ नहीं होती, वो नृत्य जानती है, वो रविशंकर जो ऐसा। शरद यादव ने ये बयान दिया था गुरुवार को इंश्योरेंस बिल पर हो रही चर्चा के दौरान। जब वो ये बयान दे रहे थे तो सदन में डीएमके की कनिमोड़ी ने विरोध किया था, लेकिन उनकी आवाज दबा दी गई। बल्कि एनसीपी के सांसद डीपी त्रिपाठी तो महिला की खूबसूरती का वर्णन करने के लिए कालिदास के श्लोक पढ़ने लग गए। दुनिया में ये पहली बार नहीं हुआ है जब शरद यादव ने महिलाओं के खिलाफ टिप्पणी की है। महिला आरक्षण का विरोध करते हुए वो अपनी मर्यादा भूल गए थे और बिल का समर्थन करने वाली महिलाओं को परकटी तक कह डाला था। फिल्मों पर बात करते हुए भी वो बहक गए थे। सिनेमा में शीला की जवानी, अरे भाई आपका बुढ़ापा है तब भी जरा थू से देखना उसको ठीक से, आपका मन भी हल जाएगा। अरे भाई नेचुरल है, हम आदमी हैं। अरे वो कोई झंडू बाम हाँ मुंडी बदनाम हुई, भूगोल है। इन बयानों को देखने के बाद एक बात साफ है कि संसद में बैठने वाले चंद लोगों की महिलाओं को लेकर सोच क्या है।
शरद यादव के बयान पर देश की महिलाएं आक्रोशित हैं, लेकिन वो टस से मस होने को तैयार नहीं है। आपको बता दें कि शरद यादव को बेस्ट पार्लियामेंटेरियन का अवार्ड भी मिला है। सवाल यही है कि क्या शरद यादव को देश की महिलाओं से माफी नहीं मांगनी चाहिए? क्या महिलाओं के खिलाफ अभद्र टिप्पणी पर शरद यादव के खिलाफ कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? ब्यूरो रिपोर्ट, IBN 7। राज्यसभा में हंगामे के बाद भी जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष और सांसद शरद यादव का कहना है कि वो अब भी अपने बयान पर कायम है। उनसे बात की हमारे संवाददाता नीरज गुप्ता ने। जी, आपके इस आपने महिलाओं को लेकर जो बयान दिया उस पर बवाल खड़ा हो गया है सदन के अंदर। आज जरूरी है बवाल खड़ा होना। क्यों बवाल नहीं खड़ा होगा तो असली बहस कैसे होगी? इस देश में किसी महिला का कोई हो, पुरुष हो महिला हो, उसके कॉम्प्लेक्शन से उसकी सुंदरता कैसे नापोगे आप? यानी सारे मैट्रिमोनियन में इतना अन्याय हो रहा है कि हर आदमी लिख रहा है कि फेयर कॉम्प्लेक्शन की चाहिए। आपका मानना है कि जो फेयर कॉम्प्लेक्शन नहीं है, जो सांवली महिलाएं हैं वो सुंदर नहीं होती? नहीं, दोनों सुंदर होती हैं। मेरा कहना है कि दोनों सुंदर होती हैं, यानी पुरुष हो चाहे वो, यानी गांधी जी को ट्रेन से फेंका गया तो रंग के कारण फेंका, रंग भेद के कारण ही फेंका गया। मार्टिन लूथर किंग और अब्राहम लिंकन गोली से। लेकिन स्मृति ईरानी ने, जो केंद्रीय मंत्री हैं सदन, स्मृति ईरानी की छोड़ो, मेरी बात सुनो, लेकिन उन्होंने विरोध जताया सदन के भीतर। उन्होंने कहा कि सारे विरोध करने का, मैं कह रहा हूँ विरोध करने का सबको अधिकार है, इसलिए तो बहस होगी। यदि विरोध नहीं होगा तो मेरी बात की बहस कैसे हो जाएगी सब? तो स्मृति ईरानी ने कहा कि उन्हें बयान वापस लेना चाहिए, सांसद होने के बावजूद वो महिलाओं की धरती मेरे खिलाफ खड़ी हो जाए तब भी इस सवाल पर मैं लोगों से बहस करने को तैयार हूँ। यानी कालिदास, महात्मा जी, लोहिया, जयप्रकाश और कितने लोगों का नाम लूँ, ये सब मामूली लोगों नाम नहीं ले रहा हूँ। शुक्रिया। तो शरद यादव का साफ तौर पर कहना है कि चाहे जो भी विवाद खड़ा हो, लेकिन महिलाओं को लेकर उन्होंने जो बयान दिया है वो उस पर कायम रहेंगे। कैमरा पर्सन राकेश नेगी के साथ नीरज गुप्ता, दिल्ली IBN 7। अपने बयान पर कायम है, टस से मस होने के लिए तैयार नहीं है, ये भी कह दे कि इस पर बहस के लिए भी तैयार हूँ। तो अपने विवादित बयान पर हंगामे के बाद भी शरद यादव माफी मांगने को तैयार नहीं है। बहरहाल इसी पर चर्चा करते हैं। हमारे साथ तमाम खास मेहमान हैं, परिचय करा देती हूँ। वरिष्ठ पत्रकार राकेश कपूर जी मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। साथ ही दिल्ली से बीजेपी नेता आरती मेहरा, मुंबई से कांग्रेस प्रवक्ता प्रियंका चतुर्वेदी और पटना से जेडीयू नेता राजीव रंजन हमारे साथ। राजीव जी, मैं आपके पास आना चाहूंगी। बात FDI इंश्योरेंस की हो रही है, लेकिन क्या जरूरत है कि ऐसे में महिला का स्किन कलर की बात की जाए, उसकी बॉडी फिगर की बात की जाए, उसके नृत्य की बात की जाए? ये किस तरह की तुकबंदी बनती है? देखिए, सबसे पहली बात तो ये है नवजोत जी कि जब शुक्रवार को त्यागी जी ने, हमारे KC त्यागी जी पार्टी के सेक्रेटरी जनरल है और नेशनल स्पोक्स पर्सन है पार्टी के, उन्होंने काफी कैटेगोरिकल और स्पेसिफिक इसका जवाब दिया है और उन्होंने बाजाब्ता कहा कि अगर देश की महिलाएं अगर आहत हुई हैं तो हम इसके लिए माफी मांगते हैं। और उन्होंने ये कहा कि सही संदर्भ में इस बयान को देखा जाना चाहिए। बयान के बाद 48 घंटे के बाद जिस तरह से लोकसभा में, राज्यसभा में स्मृति ईरानी के उकसावे पर ये एक बार फिर से घटनाक्रम आज हुआ है, मैं समझता हूं कहीं ना कहीं देश के कई ऐसे बड़े सवाल हैं जिन पर भारतीय जनता पार्टी जवाबदेह है, ध्यान मोड़ने के लिए इस सवाल को फिर से उभारने की कोशिश की गई है। पार्टी आधिकारिक तौर पर व्यक्ति से बड़ी है और पार्टी ने माफी मांग ली है। शरद यादव तो अपने बयान पर टिके हुए हैं, वो तो कह रहे हैं कि मैं तो माफी नहीं मांगूंगा, मैंने जो कहा सोच समझ के कहा। देखिए, एक बात बहुत ही स्पष्ट है, शरद यादव जी 40-45 वर्षों का जो संसदीय जीवन है, एक बेदाग राजनेता का एक संसदीय जीवन जिसमें उन्होंने बड़ी लड़ाइयां लड़ी हैं महिलाओं के संघर्ष और उनके सवालों को लेकर के लगातार वो मुखर रहे हैं, और जिस तरह से जेंडर इक्वलिटी से लेकर के इन तमाम सवालों पर स्किन के कॉम्प्लेक्शन को लेकर के आज ये एक बावेला खड़ा करने की कोशिश की गई है, इस बयान को सही संदर्भ में देखे जाने से मैं नहीं समझता हूं कि अब बात उस हद तक जाती। फिर भी पार्टी ने आधिकारिक तौर पर माफी मांग करके, जरूरत क्या है? बड़ा सवाल तो ये ना, क्या जरूरत है जब आप वहां पर इंश्योरेंस मिल, FDI पर बातचीत हो रही, तो इन सब बातों को रखने की क्या जरूरत है वहां पर? मैं वही तो कह रहा हूं कि आज इस पूरे घटनाक्रम पर जिस तरीके का बावेला मचाने की कोशिश स्मृति ईरानी के द्वारा की गई है,
जब परसों पार्टी ने आधिकारिक तौर पर इस पूरे प्रकरण पर माफी मांग ली है, तो मैं नहीं समझता हूं कि देश का बहुमूल्य समय आज इस पर बर्बाद करने की जरूरत थी। पार्टी आधिकारिक तौर पर माफी मांग चुकी है। राजीव रंजन जी की इस जवाब से आप सहमत है प्रियंका? नहीं, देखिए राजीव रंजन जी जो कह रहे हैं, जो भी शरद यादव जी के काम रहे हैं, सराहनीय काम रहे हैं, वरिष्ठ नेता हैं, काफी बार चुनकर आए हुए नेता हैं, पर ये थोड़ा यादव जी को भी समझना जरूरी है। उनकी पार्टी ने हालांकि माफी मांगी है इन शब्दों के लिए, पर यादव जी को भी समझना जरूरी है कि कुछ महिलाओं को इस जो उन्होंने बातें की थी आपत्तिजनक लगे थे, तो अगर वो इस चीज को लेकर माफी मांग लेते तो उनका बड़प्पन दिखता और दिखता कि हाँ, जहां महिला की लेकर बातें हैं उसकी तरफ भी वो उतने ही सीरियस हैं और उतने ही कंसर्न हैं जितने हमें बताया जाता है कि हमारे पार्लियामेंटेरियंस हैं। ये भी कहूंगी कि ये पहली बार नहीं है कि कोई सीनियर लीडर ने इस तरीके की आपत्तिजनक बयानबाजी की हो महिलाओं को लेकर। एक पूरी सीरीज है, अगर उसका बात की जाए तो बहुत सारी है, पर कहीं एक पाबंदी आनी चाहिए, कहीं एक स्टॉप आना चाहिए, कहीं एक अकाउंटेबिलिटी आना जरूरी है। जो हम चाहते कि हमारे बाकी पार्लियामेंटेरियन जो वहां पे ऐसे मंत्री हर पार्टी में जो इस तरह की टिप्पणियां देते हैं, बड़ा सवाल यह। ठीक है, शरद यादव ने माफी नहीं मांगी, मैं बात कर रही थी उनसे कि उनको खुद माफी मांगनी चाहिए। केसी त्यागी के कहने से कुछ नहीं होता, वो तो अपनी बात पर कायम है, टस से मस होने को तैयार नहीं, कह रहे कि बहस करेंगे। लेकिन आपकी पार्टी के भी एक मंत्री ने इसी तरह का एक आपत्तिजनक बयान महिलाओं के लिए दिया था, ये सवाल मेरे लिए है? बिल्कुल प्रियंका। हाँ, मैं आपको, अगर हम इस बात की बात शुरू करें कि किस पार्टी वाले ने क्या आपत्तिजनक बयान दिया था, मैं आपसे बहुत क्लियरली कहना चाहूँ, जो भी हमारे मंत्री हैं, अगर उन्होंने ऐसे आपत्तिजनक बयान दिए हैं, उन्हें या तो माफी मांगी है या कोर्ट केस लड़ रहे हैं। मैं यहाँ पे बिल्कुल किसी को डिफेंड करने नहीं आई हूँ, मैं आपको बस क्लियरली बताना चाह रही हूँ। अगर बीजेपी की भी बात करना शुरू करें तो हमारे चीफ मिनिस्टर हैं खट्टर साहब, जिन्होंने कहा जिनको आजादी चाहिए महिलाओं को वो अपना नंग प्रदर्शन दिखाएं, उन्होंने भी बहुत सारी बातें की हैं। योगी आदित्यनाथ ने की हैं, हम कहें निहाल चंद को भी देख लें, एक रेप अक्यूज है जहां राजस्थान पुलिस ने लुकआउट नोटिस डाला हुआ है, वो अभी भी कायम है अपनी पोजीशन पे। तो ये बयानबाजी हम ढूंढ सकते हैं कि बहुत सारी बयानबाजी हुई है, एडीजी से लेकर हो या बाबूलाल गौर हो या बाबा रामदेव हो, जो भी हो सबने की है। मैं बस यही कहना चाह रही थी, और आपका कांग्रेस को बीच में लाना, मैं बस आपको यही कहने की कोशिश कर रही थी, अगर हम पॉलिटिक्स से ऊपर उभर कर बात करें तो कहीं ना कहीं ये पाबंदी लगनी चाहिए। हमारे जो सीनियर लीडर्स हैं और लीडर्स हैं पार्लियामेंट में, इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, उनको एटलीस्ट संयम बरतना जरूरी है महिलाओं को लेकर। और अगर महिला सशक्तिकरण, महिला सुरक्षा की बात की जाए, शुरुआत टॉप से होती है, तो अगर हम अकाउंटेबिलिटी की बात करें वो भी ऊपर से शुरू होनी चाहिए। सबसे पहले निहाल चंद जी को अपने पद से स्टेप डाउन करना चाहिए जब तक उनका नाम नहीं क्लियर हो। हमारे प्रधानमंत्री ने भी रैलीज के समय पे 50 करोड़ गर्लफ्रेंड जैसे शब्द यूज किए थे, तो ये सारे सेक्सिस्ट रिमार्क्स जो हैं, एक आदमी को लेकर ना बनाया जाए, एक 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 पूरा अगर माहौल देखा जाए तो पूरा माहौल हमारे इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव कैसे रहा है। मैं आपसे जानना चाहूंगी, ठीक है प्रियंका, आरती मेरा आपसे जानना चाहूंगी, अगर देखा जाए हर पार्टी से इस तरह के आपत्तिजनक बयान आए हैं महिलाओं के खिलाफ, क्या हम इसको सिर्फ ये कह के छोड़ दे कि उस पार्टी ने ऐसा किया उस पार्टी ने, या फिर वाकई उस पर लगाम लगनी चाहिए? और यहाँ पर तो बयान राज्यसभा से आता है, राज्यसभा में खड़े होकर ये बयान देते हैं, क्या असर होगा बाहर? क्या अपराध को बढ़ावा नहीं मिलता ऐसे? देखिए बड़ी सीरियस बात है नवजोत जी, शरद यादव जी ने नाम लिए मार्टिन लूथर किंग का, गांधी जी का, उन्होंने नाम लिए अब्राहम लिंकन का, लोहिया का, और ये बात भी कही कि ये मामूली लोग नहीं थे। और सच है कि ये भी है कि शरद यादव जी भी मामूली लोग नहीं है, इस देश के पार्लियामेंटेरियन है, जो देश का सबसे बड़ा ऑफिस है राज्यसभा अपर हाउस, उसके वो एक मेंबर है। ऐसे में, और यही मेंबर ही नहीं है, एक सामान्य मेंबर नहीं है, वो 2012 में बेस्ट पार्लियामेंटेरियन भी रहे हैं, तो मामूली लोगों जैसी बातें तो शोभा ही नहीं देती जी। ये जो बात उन्होंने कही है ये पूरी तरह से निंदनीय है, ये हाईली ऑब्जेक्शनेबल है। महिलाओं के प्रति इतना, उनके रंग के प्रति, उनके बॉडी के प्रति इस तरह से बोलना, मुझे लगता है ये अपने आप में बहुत ही ज्यादा, कहीं पे मुझे तो शर्म महसूस होती है। राजीव कपूर जी भी हमारे साथ हैं, वरिष्ठ पत्रकार। एक मिनट, लेडीज वर्सेस शरद यादव, हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार राकेश कपूर जी भी मौजूद हैं।
कनिमोची ने जब इस पर ऑब्जेक्ट किया तो उनका सीधे तौर पर यही जवाब था कि ये टेक इट इज इन अ गुड ह्यूमर. क्या इस तरह से जवाब देना और क्या इसको एक मजाक बना लेना सही है? नहीं, मुझे नहीं लगता ये कोई मजाक की बात कर रहे थे शरद यादव. शरद यादव सही ट्रैक पर थे. मैं राज्यसभा की प्रेस गैलरी में था कल जिस समय ये हो रहा था सब. वो सही ट्रैक पर थे और वो ये सिद्ध करना चाहते थे कि हमारी जो मानसिकता है, हम ऐसी दास मानसिकता के गुलाम हो चुके हैं जिन अंग्रेजों ने हम पर 200 वर्षों तक राज किया और उनके फिजिकल अपीयरेंस के प्रति हमारी आसक्ति इतनी हो गई कि हम गौर वर्ण को ही एक सुपीरियर मानने लगे और जो श्याम वर्ण है उसके प्रति डिस्क्रिमिनेशन यहाँ पर भारत के समाज में होता गया. सभी समाजों में कोई भी कोई एक वर्ग कोई संप्रदाय तक सीमित नहीं है. वो ये बात सही चल रहे थे, सही कहना चाह रहे थे. राजनीति में ऐसा भी आवश्यक नहीं है, क्योंकि बात देशी विदेशी निवेश की हो रही थी. इंश्योरेंस सेक्टर में विदेशी निवेश 26% से बढ़ाकर के 49% तक की बात हो रही थी, तो संदर्भ भी गलत नहीं था. लेकिन वो जो इस पूरे संदर्भ में सिर्फ एक शब्द गलत शब्द का प्रयोग कर गए और वो चूंकि उसके हमें उनका सामाजिक संदर्भ भी देखना चाहिए. वो एक गांव से आने वाले नेता हैं, बेशक वो इंजीनियरिंग पास हैं. तो क्या उनको माफी मांगनी चाहिए महिलाओं से? मुझे लगता है कि अगर वो इस शब्द के लिए क्षमा मांगे तो उसमें कोई गलत बात नहीं है. राजीव रंजन जी, लेकिन मैं जो बात कहना चाह रहा हूँ आपसे, मैं ये बात कहना चाह एक रिएक्शन ले लूं, वक्त की कमी है. राजीव रंजन जी, लगता नहीं है कि उनको माफी मांगनी चाहिए? देखिए नवजोत जी, मैंने पहले भी आपको कहा पार्टी ने आधिकारिक तौर पर माफी मांगी है और उनकी बात कर रहे हैं. फ्राइडे को शुक्रवार को उनके बयान के शरद यादव की बात करेंगे पार्टी वो का अपने बयान पर कहेंगे. जी मैं एक बात जो कहना चाहूंगा, पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में व्यक्ति से बड़ी पार्टी है और पार्टी के सेक्रेटरी जनरल ने अगर माफी मांगी है तो ये पार्टी के करोड़ों लोगों की राय मानी जानी चाहिए. जी जी, और मैं समझता हूँ वक्त की कमी है. राजीव जी, वक्त की कमी है. आरती जी माफी चाहूंगी. बहुत बहुत शुक्रिया प्रियंका आपका.